नमस्कार प्यारे बच्चों, तो चलिए अपने रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। और प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आप लोगों को दो क्लासें दी थी, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको उसके बेसिक टर्म्स बताए थे कि दो लाइन किस किस तरह की हो सकती हैं और वो कैसे कैसे रिजल्ट देती हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग उस लीनियर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम पे लेके चलूंगा बच्चों। और वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लिखा हुआ दिया जाएगा और आपको खुद इक्वेशन बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ताकि आपको दोबारा एक बार याद आ जाए कि हाँ हमने क्या किया था। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, और बताया बोला गया आपसे कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमने कह दिया जी हाँ, बहुत आसान काम है, कर लेंगे। तो हमने क्या सीखा था, जो सबसे आसान देखने में लगे हम उसी को उठाते हैं, बाकी अगर करने को तो आप किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी सुविधा के लिए जो सबसे ईजी होता है हम उसको उठाते हैं। तो मुझे देखने में सबसे ईजी सिंपल में फर्स्ट इक्वेशन लग रही है, तो लिखेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक लेने पर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक्स प्लस वाई का, यानी हमने इक्वेशन ये फर्स्ट ली, और ये प्लस का वाई वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है, प्लस का वाई वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बच्चों ये आ गया, ये क्या आ गया, 5 माइनस वाई, क्या आ गया, 5 माइनस वाई। ठीक है, चलिए, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। चलिए नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, जब मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट लेते हो तो सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हो तो सेकंड पे आ जाओ, और सेकंड इक्वेशन लेते हो तो फर्स्ट पे आ जाओ। तो हमने फर्स्ट लिया, सेकंड पे आएंगे। नाउ नाउ पुट एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर। तो समीकरण दो क्या है, 2x-3y=4। ठीक है, तो ये रहा 2x, x ताजा ताजा कितना है भाई, जल्दी बता दो फटाफट फुर्ती से। हाँ, तो x आया है हमारा 5-y, यही है, पुट कर देंगे भाई। चलो माइनस का 3y=4, अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 अंदर मल्टीप्लाई 2y 3y 4, सॉरी भाई, 10 तीन और दो 5y=4। ठीक है, तो माइनस का 5y उधर जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का, तो ये आ गया 5y। ठीक है, तो 10 में से 4 गया बच्चों, 6/5/y, 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आके डिवाइड। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, कितनी वैल्यू आ गई, 6/5। नाउ अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो मतलब तीन कितना है भाई, x=5-y, यही था, तो 5 y की वैल्यू कितनी निकाली, 6/5, सॉल्व कर दो, इसको इससे 25, इसको इससे 6, इसको इससे 5, तो ये आ गया आपका 19/5। तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। तो ऐसे बच्चों फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है, किसमें आ सकती है, फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है। तो देखो कितना इजी था, फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। तो चलो नोट तो कर लिया होगा, अब अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। एक्स बटा दो प्लस टू वाई बटा तीन, एक्स बटा दो प्लस टू वाई बटा तीन बराबर माइनस एक, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये अभी छोड़ दो। और दूसरा दे रखा है एक्स माइनस वाई बाय थ्री बराबर थ्री, ये दे रखा है, सॉल्व करो। तो बहुत सिंपल, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जब भी कोई तुम्हें इक्वेशन फ्रैक्शन में दिखाई दे तो पहले उसको सिंपल कर लो। और सिंपल कैसे करते हैं, जैसे इसको देखो, इसको इससे करोगे तीन एक्स, इसको इससे करोगे दो दूनी चार वाई, फिर नीचे से नीचे तीन दूनी छः बराबर माइनस का एक बटा एक, एक को इससे करोगे पूरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और छः को इससे करोगे तो माइनस का छः, नीचे की नीचे से होती नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अच्छा अब इसकी बारी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, तीन को इससे करेंगे तीन एक्स, एक को इससे करेंगे वाई, नीचे से करेंगे तीन बराबर तीन बटा एक, इसको इससे करेंगे तीन एक्स माइनस वाई, इसको इससे करेंगे तीन तिया नौ, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। तो क्या हुआ बच्चों, इस प्रकार कि तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छः इक्वेशन फर्स्ट बन गई, और तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। तो बन चुकी हमारे पास इक्वेशन। तो अब देखो, जो दिखने में सिंपल लगे मैंने बताया वही काम करेंगे, तो हमें तो भाई सेकंड सिंपल में लग रहा है, तो बस लिखेंगे टेक इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो लेने पर। तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, तो बस बात खत्म, प्लस का नौ इधर आके माइनस और माइनस का वाई उधर आके प्लस। तो लो जी, हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने एक्स की क्यों नहीं निकाली, अरे तो एक्स की निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइनस का वाई उधर जाएगा प्लस, प्लस का नो इधर आएगा माइनस, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। चलो अब भाई हमने कौन सी इक्वेशन ली है, सेकंड, तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो लिखो नाउ पुट वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, वाई का मान समीकरण किसमें भाई, y का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर। चलो तो समीकरण एक क्या है, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छ, ठीक है। चलो तीन एक्स प्लस चार, हाँ जी बताओ भाई, होनार बच्चों y की वैल्यू बोलो, तीन एक्स माइनस नौ, सही बात है, y की वैल्यू यही है ना, तीन एक्स माइनस नौ और इक्वल टू माइनस का सिक्स, तो ये हो गया थ्री एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो चार तिया बारह एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो छत्तीस बराबर माइनस का छ। अच्छा अब यहां सॉल्व करते हैं, हाँ जी बारह और तीन पंद्रह एक्स, माइनस का छत्तीस उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, माइनस का छत्तीस इस तरफ आके प्लस का छत्तीस, और साथ में है माइनस का छ, छत्तीस में छ गया तीस, पंद्रह इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, दो। अब तुम्हें पता ही है क्या करना है, पुट x इन इक्वेशन थर्ड, पता है ना, x का मान समीकरण तीन में रखने पर, हाँ जी। तो समीकरण तीन, थ्री एक्स माइनस नाइन बराबर वाई, थ्री एक्स कितना है टू, तीन दुनी छ माइनस नौ बराबर वाई, तो कितना हो गया माइनस का तीन। तो लो जी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तीन, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, ठीक है। अब कुछ एक नए नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, 3.3 के, तो वर्ड प्रॉब्लम भी चलेंगे और साथ ही साथ कुछ एक आधा टर्म्स वाले क्वेश्चन है वो भी देखना, पहले से नोट करो फिर एक और कराता हूं मैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, चलो ठीक। अब देखो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, उसके बाद फिर जब नोट कर लो उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू किया करो, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, अब है 3.3 का ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ
ये शायद आप लोगों से नहीं हुआ हो, 0.2x प्लस 0.3y प्लस इज इक्वल टू 1.3, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये क्वेश्चन है। अब देखो, पॉइंट कहीं एक सिंगल जगह होता तो हम कुछ और सोचते, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि पॉइंट इस लाइन में सबके पास है और इस लाइन में भी सबके पास है पॉइंट। तो जब सबके पास पॉइंट है तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इन पॉइंट्स को ही हटा देता हूं, क्योंकि बच्चों को रूट से और पॉइंट से बहुत नफरत होती है। तो जब हमें भाई उस चीज से नफरत है तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। अगर हम भाई उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसको किसी भी प्रकार से क्या करें, कोशिश करेंगे कि हटा देते हैं। तो चलो हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखना, पहले पहले इसको देखो। नाउ मैंने लिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही है ना। अच्छा बच्चों, पॉइंट हटाने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट हटाने का मतलब वन, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो। तो पॉइंट के बाद डिजिट कितनी, एक डिजिट है, तो 2/10। यहां से भी ऐसे हटाओगे तो 3/10, यहां से भी ऐसे हटाओगे तो 13/10। सही बात है। अच्छा अब क्या करोगे भाई, इसका एलसीएम 10 का तो 10 ही रहेगा, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13/10। क्यों, क्योंकि भाई 10 और 10 का एलसीएम तो 10 ही रहेगा, नीचे से 10 कैंसिल, बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो बात बन गई यहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उठाओ इस सेकंड वाले को, इसको 0.4x 0.5y 2.3। तो देखो इन सबके पास भी डेसिमल है, यहां से हटाओगे 4/10, यहां से हटाओगे 5/10, यहां से हटाओगे 23/10। पता है ना 10 कहां से आ रहा है, पॉइंट के हटने का एक, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो। एक डिजिट है तो एक जीरो, दो डिजिट होती तो दो जीरो। अच्छा अब 10 का एलसीएम 10, जब नीचे सेम तो ऊपर भी पूरा सेम उतार दोगे, और आपको पता ही है इस 10 से ये 10 कैंसिल, बचा क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो भाई आप इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो कि आखिरकार x का आंसर और y का आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करके दे दिया है। अब देखो आपके पास पॉइंट का कोई झंझट नहीं है यहां पर, सही बात है, पॉइंट का मैंने आपके साथ टेंशन हटा दिया। तो अब इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट करो फटाफट से, और इसको छोड़ना नहीं है, अभी नोट करके हाथों हाथ करना है, ठीक है। और अगली क्लास में इसका आंसर पूछूंगा मैं, या तो मेरे को अगली क्लास में, या तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर देना, ठीक है। लेकिन इसको अभी सॉल्व करेंगे हाथों हाथ सभी बच्चे, ये नहीं कि हाँ जी बस अभी आधा उतार लिया क्लास देखने के बाद करेंगे, नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसको नोट करके और इसे पूरा खत्म करके फिर अगले क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये क्वेश्चन पूरा कर लिया होगा। अब देखो जरा, अब देखो, अब मैं कराने जा रहा हूं आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी गई है, और एक इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, एक इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि एक और इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन ये भी आपके पास, ठीक है, थर्ड एक इक्वेशन ये भी दी है, और कह रहा है कि इसमें से m की वैल्यू निकालो। इसमें से किसकी वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकालो, समझो ध्यान से। कह रहा भाई आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाले, ठीक है, इनको सॉल्व करो, और इनको सॉल्व करने के बाद इस वाली इक्वेशन में से, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इस वाली इक्वेशन में से m की वैल्यू बताओ कितनी होगी,
तो चलो भाई पहले हम उन दो इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान चीज है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? नाउ हाँ जी, कौन सी इक्वेशन देखने में आसान लग रही है भाई? कौन सी लग रही है? दोनों एक जैसे ही है, किसको उठाएं? चलो सेकंड को उठा लेते हैं, ठीक है? तो लीजिए भाई, टेक इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो लेने पर, ठीक है? तो 2x-4y=-24, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं भाई, ये माइनस का 4 है, ये है माइनस का 4, ठीक है? तो एक काम करो, इसको उठा के वहां ले जाओ, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है? अब याद करो कॉमन वाली बात, कॉमन वाली बात याद करो, ठीक है? चलो मैं काम करता हूं, मैं यहीं पे कॉमन वाली बात याद करा देता हूं बच्चों। 2x-4y, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो 4 होता है वो 2 × 2 होता है, सही बात है? 4 जो होता है वो 2 × 2 होता है। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचेगा? x, ये क्या बचेगा? 2y। क्यों? क्योंकि 4 क्या होता है? 2 × 2, एक 2 बाहर निकाला तो एक 2 अंदर, माइनस का 24। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, काटोगे 12, यानी कि x-2y=-12। अच्छा अब माइनस का 2y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2y, और ये साथ में माइनस का 12। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, हाँ कि ना? क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने यहां से क्या निकाल लिया? x की वैल्यू। अब तुम बोलोगे भैया आपने x ये 4 क्यों माना? क्योंकि बच्चों थर्ड हम मान चुके हैं पहले ही, ठीक है? चलिए तो यहां तक बात क्लियर हो गई, या तो एक बार फिर से देख लो, हमने कौन सी इक्वेशन को उठाया? सेकंड को उठाया, ठीक है? इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, x बचा, यहां 2y। क्यों बचा 2y? क्योंकि 4 2 × 2 होता है, तो एक 2 बाहर निकाल लिया तो एक 2 बच गया। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड, काटेंगे तो 12 × 2 = 24, माइनस का 12। अब ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y, और ये माइनस का 12, इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 4। अब क्या करेंगे? अब करेंगे पुट एक्स इन इक्वेशन, किसमें? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि सेकंड उठाई है, ठीक है? एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है? तो लो भाई समीकरण एक क्या है? 2x+3y=11, यही है। चलो ये रहा 2, ठीक। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू है 2y-12, 2y-12 +3y=11, करो मल्टीप्लाई, 4y, 12 × 2 = 24, 3y 11, 4 और 3 7y, माइनस का 24 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, 24 और 11 35, 7 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, कटेगा 7 × 5 = 35, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। चलो अब जब y आ गया है तो x भी निकाल लेंगे, जब y आ गया है तो x भी निकाल लेंगे। कैसे? पुट y इन इक्वेशन, बोलो किसमें? 4 में, 4 में। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो चलो भाई ठीक है, x=2, हाँ जी y की वैल्यू 5 माइनस 12, तो x=5 × 10 -12। भाई 12 में से 10 गए माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमें x और y थोड़ी निकालना है, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या देख रहे हैं? हमने क्या देखा कि थर्ड इक्वेशन में आपके पास x भी है, y भी है, m भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पुट x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है? y=mx+3, y कितना है? 5, m x कितना है? -2 3। बच्चों प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, -2 m, सही बात है? 5 में से 3 गया, 2 = -2 m।
अच्छा ये माइनस का 2m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देख लो फिर से एक बार क्या किया हमने, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, y की वैल्यू 5 निकाली, x की वैल्यू -2 निकाली, यहां तक तो क्लियर। उसके बाद क्या किया, जो भी हमने वैल्यू निकाली उसको थर्ड में रख दिया, क्यों, क्योंकि y, m और x तीनों है, जिसमें से हमने y भी निकाल रखा है और x भी निकाल रखा है, ठीक है, तो यहां पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो और m आपके सामने, क्लियर। चलो फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाफट इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम की कहानी आपके सामने बयां करेगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक जरूरी बात कर लेता हूं मैं, कि वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे सिंपल अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो हो, आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, हिंदी में दो चर वाले बहुपद रेखिक, सॉरी दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर से, उसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में विलोपन विधि, और एक है क्रॉस मल्टीपल मेथड। वज्र गुना विधि, वज्र गुना विधि। अच्छा अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए ना ये इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसे इन तीनों मेथडों से सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ एक ही मेथड सिखाया है, ये दो कब सिखाओगे, तो भाई मेथड मैं आपको तीनों सिखाऊंगा, मेथड मैं आपको तीनों सिखाऊंगा, बस वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, जौन सा मेथड मेथड पसंद आया आपको उस मेथड से आप क्या कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि इससे करें या इससे करें या इससे करें, तो भाई कभी नहीं होगा लिखा हुआ, ठीक है। वैसे आज तक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीपल मेथड से सॉल्व करो, ऐसा कभी क्वेश्चन लिखा हुआ आया हो, नहीं। इन जितने भी क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इससे 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 तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात जरूरी है इसलिए बात की जा रही है अब से, ठीक है, कि जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी अभी तक सॉल्व किए ना हमने, उसको इससे 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 भी सॉल्व कर दो, तब भी एक्स और वाई का आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। बस आपकी मर्जी है, पसंद आए, अगर आपको ये मेथड पसंद आता तो आप इस मेथड से करो, आपको ये मेथड पसंद आएगा जब जब कराऊंगा तो इससे करना, अगर ये मेथड पसंद आएगा तो इससे करना, सिखाऊंगा मैं तीनों, लेकिन एक पल के लिए हम एक्सेप्शन भी लेके चलते हैं अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से तो खास कर लेके चलता हूं। चलो ठीक है, मान लिया भाई अगर पिछले 10 साल से कभी नहीं पूछा कि इस मेथड से करो या इस मेथड से, इस मेथड से, लेकिन भाई तुम्हारी किस्मत थोड़ी अलग हो और इस बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इन तीनों मेथड को अच्छे से सीखे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इन दोनों मेथड को नहीं सिखाया है, अगली क्लास में मैं इस मेथड को सिखाऊंगा, फिर 2 क्लास के बाद इस मेथड को सिखाऊंगा, ठीक है, सिखाऊंगा सारा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है, तो अब मैं कराने जा रहा हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम। क्या कराने जा रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखने पड़ेगी कि
आपको वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही यही है कि वर्ड्स को समझ के उसको सॉल्व करना, क्योंकि वहां पे जो लैंग्वेज लिखी जाएगी ना, उस लैंग्वेज को ही पकड़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि भाई क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन अगर एक पल को फिर भी लिखा हुआ आ जाए तो हम ये तीनों मेथड सीखेंगे ही और आपको फिर ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया ना, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं पहले। हाँ जी, तो वर्ड प्रॉब्लम है 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। लो जी, 3.3 के थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि भाई दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का अंतर 26 है, जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का अंतर 26 है, और जो पहला यानी जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, तो चलिए बताइए कि भाई वो बड़ा नंबर और वो छोटा नंबर क्या है। क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही नकली जिसे आप कह सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे, क्या बोला गया है कि देखो दो नंबर हैं, अब एक नंबर जरूर बड़ा होगा, एक नंबर जरूर छोटा होगा। ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ने की वजह से कह रहा हूं। कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि एक नंबर जरूर भाई बड़ा होगा छोटा होगा। कैसे, क्योंकि दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या, उनके बीच का अंतर माइनस कितना है, 26 है। तो भाई जरूर एक, जैसे अब मैं कहता हूं भाई आपके पास मान लीजिए भाई 40 रुपए, ठीक है, आपके पास भाई 40 रुपए है, तो दूसरे के पास कितने रुपए होंगे कि तुम दोनों के बीच का अंतर 26 हो। सीधी सी बात है भाई, 14 रुपए। अगर आपके पास, आप हो मान लो आप ए हो और आपका दोस्त बी है, आपके पास 40 रुपए है, तो आपके दोस्त के पास कितने रुपए होने चाहिए कि आप दोनों के बीच का गैप 26 हो। तो सीधी सी बात है, आप तुरंत बोलोगे हाँ भाई 40 और 14 इनका अगर डिफरेंस किया जाए तो कितना आता है, 26 आता है। इस तरीके से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका आंसर 40 और 14 है, अभी ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया है भाई, 26 तो किसी का भी अंतर आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि आपके पास दो नंबर हैं और दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 26 है, जिसमें एक शर्त और रखी गई है, जिसमें एक शर्त और रखी गई है, क्या, कि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना है, बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना है। तो चलो बताओ कि ये दोनों नंबर क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्या बोला गया है, दो नंबर है, सबसे पहली बात तो यही बोला गया है, दो नंबर है। क्या नंबर हम जानते हैं, नहीं जानते, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर इज, क्या माना हमने, एक्स माना बड़ी संख्या है, माना बड़ी संख्या है, क्या है बच्चों, एक्स, एंड द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर क्या मान लोगे, वाई, तथा छोटी संख्या है। ये लिखना है, ये कहीं आप सोच रहे हो कि हाँ ये मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं, ये लिखना है बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखवा करवा रहा हूं मैं, ऐसे ही करना बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने भाई बड़ा नंबर भी मान लिया, हमने छोटा नंबर भी मान लिया, अब यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। हाँ जी, क्या चल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, तो क्वेश्चन ने ये कहा, क्या कहा क्वेश्चन ने, कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, यानी आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले पहले यहां लिखो केस फर्स्ट, हिंदी वाले स्थिति, स्थिति पहली क्या है, पहली स्थिति बच्चों कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता माइनस,
कितना आ रहा है? 26। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो आ गई। और मैंने क्या बताया था, कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? दो की, जिसमें से एक तो हमें मिल गया। क्या मिला? बड़े में से छोटा माइनस 26। हमने अपनी तरफ से नहीं किया, क्वेश्चन में खुद बोला है। अब आते हैं केस सेकंड पे। किस पे आएंगे? केस सेकंड, स्थिति दूसरी। चलो क्या बोला है दूसरी स्थिति में, कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है। बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है। अब एक सिंपल सी बात बताना बच्चों मुझे। आप हो ए, आपका दोस्त है बी, ठीक है। आपके पास अगर 10 रुपए हैं आपके पास, या अगर मान लो आपके पास 10 नंबर हैं, तो और आपके पास, आपके दोस्त के पास 2 नंबर है, तो अगर आपके दोस्त को, अगर आपके दोस्त को आपके बराबर पहुंचाना है, तो मैं इसे कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा? जल्दी बता दो, कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा? तुरंत बोलोगे आप 5। क्यों? क्योंकि 5 दुनी 10, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा तो अब मुझे इतना बताओ, जब भी हम किसी एक छोटे और किसी एक बड़े को आपस में बराबर करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जब भी हम किसी एक छोटे और किसी एक बड़े व्यक्ति को आपस में बराबर करते हैं, तो मल्टीप्लाई हो चाहे ऐड हो, यानी गुना हो या जमा हो, हम हमेशा छोटे वाले के साथ करते हैं। हम हमेशा किसके साथ करते हैं? छोटे वाले के साथ। अब आंसर है, अब तुम पूछोगे क्यों भैया ऐसा क्यों? तो भाई रीजन है, अगर जो बड़ा है उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो और बड़ा हो जाएगा। जो पहले ही बड़ा है, मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आपके भाई के पास 2 रुपए हैं, तो भाई जब मैं आपके छोटे भाई को 8 रुपए दूंगा तब वो आपके बराबर होगा ना 10 रुपए। अगर आपको ही 8 दे दूंगा तब तो आप 18 हो गए, वो तो अभी भी 2 का 2 ही है, समझ रहे हो? तो हमेशा मल्टीप्लाई हो या जमा हो, समझ रहे हो? ऐड हो या मल्टीप्लाई हो, जमा हो या गुणा हो, हमेशा जब भी दो कंटेंट को, बड़े और छोटे को बराबर करते हैं, तो चाहे जमा का केस हो चाहे गुणा का केस हो, हमेशा किसके साथ करते हैं? छोटे वाले के साथ। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि मल्टीप्लाई हो चाहे ऐड हो, हमेशा किसके साथ करते हैं? छोटे वाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्थिति दूसरी। हाँ जी जल्दी बताओ, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, मुझे दोनों को बराबर करना है। तो बच्चों एक्स वाई से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो वो जो थ्री है, वो जो थ्री है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? छोटे वाले से। क्यों? क्योंकि छोटे वाले को ही बड़े के बराबर पहुंचाया जाता है, अभी हमने बात की, सही बात है? तो बच्चों हमेशा छोटे वाले नंबर को ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। तो उसने 3 गुना बोला है तो 3 से कर दिया, 5 गुना बोला होता तो 5 से कर देते, 10 गुना बोला होता तो 10 से कर देते, ठीक है? तो चलो x बराबर 3y, तो प्लस का 3y ये आ गया। ये इक्वेशन कौन सी है? सेकंड, ठीक है? इक्वेशन कौन सी है? सेकंड। तो चलो भाई अब हम बड़ा नंबर और छोटा नंबर निकाल लेते हैं। तो लो जी सेकंड इक्वेशन तो पहले से ही आई हुई है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन तो पहले से ही आई है ना, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये तो x की ही तो वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? x की। x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है? तो चलो समीकरण एक कितना है? x माइनस वाई बराबर 26। अभी अभी x कितना निकाला तुमने? 3y माइनस वाई, 3y में से y गया 2y, 26। 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां के डिवाइड कट गया, 13 दूनी 26। तो लो जी y की वैल्यू 13। पुट y इन इक्वेशन किसी में भी रख दो, सेकंड में रख दो, सेकंड में। तो देखो x बराबर 3y, 3y कितना है? 13। तो ये आ गया 13 तिया 39। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। तो देखो x बड़ा नंबर है कितना? 39। y छोटा नंबर है कितना? 13। अब शर्त यह आती है कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है? तो चलो चेक करते हैं भाई, 39 में से 13 माइनस करो, देखो 26 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो,
और इसे जल्दी से नोट करो। कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब अगला देखो क्वेश्चन। बस मैं क्वेश्चन करवाया करूं, वीडियो पॉज करके फटाफट उसको नोट कर लिया करो और तुरंत शुरू कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि ये समझ लो मैं आधे घंटे की क्लास अगर ले रहा हूं ना तो 45 मिनट की है, और अगर मैं 45 मिनट की क्लास ले रहा हूं तो समझ लो वो 1 घंटे से भी ऊपर की हो गई। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इस लॉकडाउन के अंदर अच्छा मौका है, ठीक है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, वैसे मेरे को सेकंड कराना था लेकिन मैं पहले थर्ड करा रहा हूँ फिर सेकंड कराऊंगा, तो पहले थर्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपसे कि एक कोच है, लो भाई वही वाला क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था। एक कोच है जो क्रिकेट के लिए एक बच्चे, एक लड़की को कहता है कि जाओ तुम 7 बैट और 6 बॉल खरीद के लेकर आओ, और उसको पैसे कितने दिए भाई, 3800 रुपए, मतलब 3800 रुपए दिए। और फिर उस जब वो सामान लेकर आ गई तो उसको दोबारा भेजा, उस लड़की को दोबारा भेजा, ठीक है? गुस्सा आ गया होगा, ठीक है, कि हाँ भाई ये भूल गए, चलो भाई। तो भाई उस लड़की को दोबारा भेजा और कहा कि अब तुम फिर से जाओ और 3 बैट और 5 बॉल लेकर आओ, 3 बैट और 5 बॉल लेकर आओ। और अब की बार कितने रुपए दिए, अब की बार 1750 रुपए, मतलब कितने, 1750 रुपए, 750 रुपीज दिए। तो अब पूछ रहा है बताओ 1 बैट और 1 बॉल की कीमत क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है? तो कॉस्ट पूछिए 1 बैट की और 1 बॉल की, हाँ जी, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान देना, पहले बैट कितने थे, 7, और बॉल कितने थे, 6, और जब दोबारा मंगवाया उससे तो कितने बैट थे, 3, और बॉल कितने थे, 5। तो चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ भाई अब ये बताओ, बैट और बॉल तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन लास्ट में आपसे आंसर किस चीज का पूछा है, 1 बैट का और 1 बॉल का कॉस्ट, यही पूछा है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों ना ही मुझे 1 बैट की कीमत पता है और ना ही मुझे 1 बॉल की कीमत पता है, तो जब पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा भाई, कैसे, ऐसे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, माना 1 बैट की कीमत एक्स रुपए, माना 1 बैट की कीमत या मूल्य कुछ भी लिख लो, कितने हो गए, एक्स रुपए, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की कीमत वाई रुपए, ठीक है, तथा 1 बॉल की कीमत जल्दी बोलो वाई रुपए। चलो अब भाई बैट की कीमत और वाई की कीमत तो हमने मान लिया एक्स और वाई, ठीक है? अच्छा अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई 7 बैट और 6 बॉल लेकर आओ। एक लड़की को उन्होंने बुलाया, ठीक है, प्लेयर को, और कहा बेटा ये ले पैसे और जा 7 बैट और 6 बॉल लेकर आ जा, और पैसे दिए कितने, 3800 रुपए। अच्छा अब यहां पे ये मत सोचना सर कुछ रुपए बच गए होंगे तो उसकी चीज वीज खाली होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, 3800 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब उसको कोच को पहले से रेट पता है, समझ रहे हो, और उन्होंने उतने रुपए ही दिए हैं जितने में अपना भाई क्या आ जाए कि पूरे बैट भी आ जाए और पूरे बॉल भी आ जाए, पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? अब ये मत बोलना कि सर वो गाड़ी का किराया ये वो, तो भाई ये फालतू की चीजें नहीं जुड़ती, क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो सलीके से बनाया जाता है, ठीक है? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई 7 बैट हैं 6 बॉल हैं, तो चलिए भाई फिर से भाई मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है प्रश्नानुसार, क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब आगे, जो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, उसने बोला 7 बैट और 6 बॉल कितने के पड़े, 3800 रुपए के। चलो यहां तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले तुम अपनी पर्सनल लाइफ पे आ जाओ। अगर बच्चों आप लोग, मैं एक बात कहता हूं, ठीक है, एक शर्ट खरीदने चले जाओ, ठीक है, एक शर्ट अगर 100 रुपए की है तो 5 शर्ट कितने की है, फटाक से माइंड में आ गया होगा 500 रुपए, सही है? इसी तरीके से अगर एक बैट 10 रुपए का बैट है मान लो, तो 6 बैट कितने के होंगे, 60 रुपए के। तो बस सिंपल सी बात है बच्चों,
आ जाओ यहां पर। अब प्रश्न अनुसार अगर एक बैट की कीमत एक्स रुपए है तो सात बैट की कितनी होगी, सात एक्स होगी कि नहीं होगी? फिर वही प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि भाई पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे। अभी एक बॉल की कीमत अगर वाई रुपए है तो छह बॉल की कितनी होगी, छह वाई। दोनों को इकट्ठा किया, खर्च किया तो कितने रुपए खर्च हुए, 3800 रुपए खर्च हुए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो है आसान। नाउ ये केस फर्स्ट था, ठीक है ना, केस फर्स्ट, स्थिति पहली। नाउ केस सेकंड, अब उस लड़की को दोबारा भेजा गया। दोबारा जब भेजा तो तीन बैट और पांच बॉल लेने के लिए भेजा। तो बच्चों अगर एक बैट की कीमत x तो तीन बैट की 3x, एक बॉल की कीमत अगर y तो पांच बॉल की 5y। दोनों ने मिलकर कितना खर्च किया भाई, 1750 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता ही है हमें कोई बड़े काम नहीं करने, सॉल्व करना, बात खत्म करनी है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, यहां से निकालो यहां पर। हां जी टेक इक्वेशन सेकंड, क्यों थोड़ा छोटा लग रहा है, इसी को ले लिया, चाहे तो फर्स्ट भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समीकरण दो लेने पर, ठीक है, तो चलिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। किसकी वैल्यू निकालू, y की, x की, किसी की भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं x की निकाल लेते हैं, 3x प्लस का 5y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5y, और तीन यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लो जी x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 मान लेना इसको। अब आपको पता ही है, क्या पता है, कि अगर भाई सेकंड इक्वेशन उठा रहे हो, अगर सेकंड इक्वेशन उठा रहे हो तो किसमें रखेंगे, फर्स्ट में, तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक है क्या, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो चलो भाई 7 x, x की वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये है बच्चों x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, सही बात है, और प्लस में 6y बराबर 3800। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो भाई सॉल्व करो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0, 7 पंजे 35 का 5 रह गया 3, 49 और 3 52 का 2 रह गया 5, 7 एकम 7 5 12, और माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35y बटे में 3 प्लस 6y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहां तक समझ में आया, 7 को इससे किया तो इतना आ गया, 7 को 5 से किया तो इतना आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, क्रॉस, इसको इससे करेंगे तो 12250 माइनस 35y, 3 को इससे करेंगे 6 18y, नीचे को नीचे से करेंगे 3 बराबर 3800, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अच्छा अब इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 35 में से 18y, या 35y प्लस 18y। अब इसको इससे करेंगे, सॉरी इसको इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3800 गुने में 3, तो कितना आएगा 0 0, 8 24 का 4 रह गया 2, 3 3 9 2 11, ठीक है। तो ये आ गया 12250, 35 में से 18 गया, बच गया 17, माइनस का 17y, माइनस का 17y बराबर 11400। अब ये प्लस की चीज है तो इधर लेकर आ जाओ, और ये माइनस की चीज है उसको उधर लेके चले जाओ, माइनस करो 0 5, 12 में 4 गया 8, फिर खत्म 17y। हां जी 17 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा जल्दी बता दो, 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और 17 एकम 17 17 5 85 0, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू 50। अब आपको पता ही क्या करना है, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो लो भाई समीकरण तीन क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3, 1750 माइनस y, y की वैल्यू अभी अभी निकाली 50 बटे में 3, 1750 माइनस 25 250 बटा 3, x बराबर, हाँ भाई कितना हो जाएगा 1500 बटा 3, काटो 5 3 15 0, तो x की वैल्यू आ गई 500।
तो इसका मतलब अब आप क्या लिखने वाले हो, जल्दी बताओ। तो x की वैल्यू 500, x कौन है, बैट की कीमत। तो बच्चों एक बैट की कीमत कितनी आई, 500 रुपए। और बॉल कौन है, y, एक बॉल की कीमत y रुपए। तो y की वैल्यू कितनी है, 50। तो यानी एक बॉल की कीमत 50 रुपए। तो यहां पे आप नीचे लिखोगे, यहां पे नीचे लिखोगे क्या, द कॉस्ट ऑफ वन बैट तो कितने, 500 रुपए। और फिर लिखोगे द कॉस्ट ऑफ वन बॉल तो कितने रुपए, 50 रुपए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक बैट की कीमत 500 रुपए, नीचे लिखेंगे एक बॉल की कीमत 50 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल सा ये आपको करना है। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, 3.3 के थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि बच्चों दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, संपूरक कोण है, और कहा है कि भाई उनके उनमें मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि दो संपूरक कोण है और जो एक एंगल है ना वो दूसरे से 18 कम है। कोई एक ऐसा एंगल है जो किसी एक एंगल से भाई क्या है, 18 कम है, तो बताओ वो कोण कितने हैं, ये बोला गया है। तो क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहली जरूरी बात बता दूं, उसमें एक लाइन लिख मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में संपूरक कोण। इसका मतलब जानते हो, 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है और एक एंगल और होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पूरक कोण ये वो कोण होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है तो इसलिए दोनों का सम कितना लोगे, 180। ये अंडरस्टूड सी बात है, वहां पे देने की जरूरत नहीं है। अभी ये मत बोलना क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है 180। तो भाई अपना भी तो कुछ दिमाग होता है, 10th क्लास में पहुंच गए तो अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, काखा का नहीं सीखना है हमें। ठीक है, तो क्या है चक्कर कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री बोलते ही तुम्हारे दिमाग में पहली बात क्या घूमनी चाहिए कि दो एंगलों का सम 180 है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया होता तो सम कितना होता, 90। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात क्या कही गई है कि उन दोनों एंगलों में से जो बड़ा एंगल है और छोटा एंगल है, ठीक है, वो क्या है भाई, उनके हिसाब किताब में 18 की कमी है। मतलब छोटा वाला जो एंगल है ना वो बड़े से 18 कम है, वो बड़े से 18 कम है, या दूसरे शब्दों में कि भाई जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। तो भाई कैसी सिचुएशन देख लो, सब सही है। तो ये अपने किसी साइड में नोट कर लो कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनके दो का सम 180, और कॉम्प्लीमेंट्री जिनके दो का सम 90। ठीक है, चलो। तो अब भाई सीधी सी बात है, जब बोला है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 बड़ा है, एक एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, तो सीधी सी बात क्या हुई, एक बड़ा एंगल एक छोटा एंगल है, तो बस लिख लो, लेट द लार्जर एंगल इज एक्स डिग्री। ठीक है, माना बड़ा कोण एक्स डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज वाई डिग्री। ठीक है, तथा छोटा कोण, कितना है, वाई डिग्री। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए, तो केस नंबर फर्स्ट, में क्या बोला है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, संपूरक कोण हैं। तो संपूरक कोण कौन होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है, पहला केस फर्स्ट। अब आता है केस सेकंड, केस सेकंड में कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है। चलो इस चीज को समझते हैं, आप
मान लो बड़े हो और आपका भाई छोटा है, ऐसा मान लो। भाई आपके पास, मैं ये कहता हूं कि भाई आपके पास आपके भाई से 18 रुपए ज्यादा है, आपके पास आपके भाई से 18 रुपए ज्यादा है। अगर आपके भाई के पास मान लो 10 रुपए हैं, तो आपके पास कितने हुए? आप तुरंत क्या करोगे? अपने भाई के 10 रुपए में अपने 18 रुपए जोड़ दोगे, तो आपके पास कितने आए? 28 रुपए। समझ रहे हो? इधर समझो भाई, आप बड़े हो ए, आपका भाई छोटा है बी, आपके भाई के पास है 10 रुपए, आपके पास कितने रुपए हो जाए जो कि आपके भाई से 18 ज्यादा है, आपके भाई से 18 ज्यादा है, तो भाई आप क्या करोगे? तुरंत इसमें ऐड करोगे, 28 हो गए। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं आपको और आपके भाई को बराबर करना चाहता हूं, अगर मैं आपको और आपके भाई को पैसों में बराबर करना चाहता हूं, तो अब ये बताओ पैसे में किसको दूंगा, आपको दूंगा या आपके भाई को? सीधी सी बात है, आपके भाई को। क्यों? क्योंकि आपके भाई के पास पैसे कम हैं, जब उसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तभी तो आपके बराबर पहुंचेगा। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात की कि जब भी मल्टीप्लाई वाला काम करना हो और क्या करना हो, ऐड वाला काम करना हो, जमा वाला काम करना हो, तो हमेशा छोटे वाले के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? छोटे वाले के साथ। मल्टीप्लाई भी छोटे के साथ और जमा भी छोटे के साथ। तो अब ये बताओ, एक्स है बड़ा, कितना बड़ा? 18। और छोटा कौन है? वाई। तो जो 18 हम ऐड करेंगे वो किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ या वाई के साथ? तो बच्चों है वाई के साथ। क्यों? क्योंकि वाई कौन है? छोटा। तो बस इसके साथ 18 ऐड कर दो, इसके साथ क्या कर दो? 18 ऐड कर दो। तो देखो ये इक्वेशन सेकंड को अगर आप देखोगे गौर से, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई ना। तो बस पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, ठीक। तो भाई क्या होगा, अब जल्दी बताओ। हाँ जी, x का मान रखेंगे, x का मान कितना है? y प्लस में 18 और साथ में y बराबर 180, y प्लस y 2y, प्लस का 18 वहां जाके माइनस, कितना आएगा जल्दी बोलो? 180 में से 18 गया, 162। सही बात है, ठीक। तो y दो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, दो से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो यानी y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। 81 डिग्री। अब क्या करेंगे? पुट वाई इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, तो वाई का मान कितना लिया है हम? 81 प्लस 18, तो भाई 81 और 18 कितने होते हैं? 99, 99 डिग्री। तो बस बात खत्म, यहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना, लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल इज 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इज, एंगल इज 81 डिग्री। इतना सिंपल सा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? बड़ा कोण है 99 डिग्री, छोटा कोण है 81 डिग्री। सही बात है, और दोनों का बीच का गैप भी देख सकते हो, 18 है। 99 में से 81 माइनस करो, 18 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। समझ भाई बात? तो मतलब आपको सिर्फ वर्ड को देखना है, समझना है और उसको सॉल्व कर देना है, बाकी सेम सारा काम वैसे ही करना है जैसे अब तक आप पिछले लास्ट कई सारे क्वेश्चनों में कर चुके हो। ठीक है, तो इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अगली क्लास में इसको खत्म करके एलिमिनेशन मेथड शुरू करवाऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, जाए तो ठीक, वरना अगली क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है, तो इसको क्लियर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एलिमिनेशन मेथड और इसके बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।